आम चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार राज्य दर राज्य मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी ने उन्हीं के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने एक बार फिर विकास का नारा लगाकर राहुल गांधी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि जो विकास की बात करते हैं वो अमेठी में कुछ नहीं कर पाए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की हो, लेकिन वो कांग्रेस के किलों को ढहाने में नाकाम रही। पार्टी ने सोनिया गांधी के सदस्य क्षेत्र रायबरेली से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में पूरा जोर लगाया, लेकिन पार्टी नाकाम रही। लेकिन बावजूद इसके पिछले 5 साल से बीजेपी की नज़र अमेठी पर ही टिकी हुई है। राहुल गांधी से हार का सामना करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के विकास के बहाने कांग्रेस को घेरती रही हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने भी योजनाओं के सहारे बीजेपी की नई पाल लगाने की कोशिश की है। आज अमेठी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने क्लाश्निकोव 203 राइफलों के निर्माण के लिए बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शुभारम्भ किया। इसके साथ ही 538 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन योजनाओं के सहारे ही पीएम मोदी ने विकास के बहाने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार ने 1500 लोगों को फैक्ट्री में रोजगार का वादा किया था, लेकिन अमेठी के लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए सिर्फ 200 लोगों को रोजगार दिया गया। अमेठी के युवाओं को धोखा देने वाले दुनिया में रोजगार के भाषण देते घूमते हैं। पीएम मोदी ने सवालिया लहजे में निशाना साधते हुए पूछा कि आधुनिक राइफलें न बनाकर हमारे वीर जवानों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल घूम घूम कर मेड इन उज्जैन, मेड इन इंदौर और मेड इन जयपुर कहते हैं, लेकिन ये मोदी है जिसने मेड इन अमेठी को सच कर दिखाया है। 2014 में हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, इसका अमेठी उदाहरण है। जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमारे। जहाँ सीट मिली वो भी हमारा है, और जहाँ सीट नहीं मिली वो भी हमारा है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आज पीएम मोदी ने जमकर तीखे तीर चलाए, लेकिन वो निशाने पर लगेंगे या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।